नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका navbharattimes.com में। दोस्तों, ग्रहों में राजकुमार का दर्जा प्राप्त बुध ग्रह ने 26 मई 2021 को मिथुन राशि में गोचर किया था। यही बुध ग्रह 3 जून 2021 को वक्री गति से वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद बुध ग्रह 7 जुलाई को वापस मिथुन राशि में गोचर करेंगे। बुध की इस उल्टी पुल्टी चाल का सभी 12 राशियों पर असर देखने को मिलेगा। आज अपने इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि सभी राशियों पर बुध की इस गति का क्या असर देखने को मिलेगा या बुध की इस उल्टी पुल्टी चाल का क्या असर देखने को मिलेगा। मेष राशि, बुध का गोचर आपकी राशि से तीसरे स्थान में होगा। इस दौरान आप वीरता और साहस से भरे हुए रहेंगे, लोगों की बात को ध्यान से सुनेंगे और उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। करियर में आपको प्रगति मिलेगी और आसपास के लोगों से आपके संबंध अच्छे होंगे। हालांकि लव लाइफ में कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। पिता के साथ किसी बात पर मतभेद हो सकते हैं। वृष राशि, बुध का गोचर आपकी राशि से द्वितीय स्थान यानी कि दूसरे स्थान में होने वाला है। इस दौरान आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। आर्थिक मुनाफा भी आपको मिल सकता है। नौकरी पेशा वाले लोगों को ऑफिस की राजनीति से इस दौरान दूर रहना चाहिए। मिथुन राशि, बुध आपकी राशि के लग्न भाव अर्थात पहले स्थान पर गोचर करने वाले हैं। इस दौरान बुराइयों से लड़ने के लिए मानसिक रूप से आप अधिक मजबूत रहेंगे और हर कार्य सोच समझ कर करेंगे। व्यापार करने वाले लोगों के व्यवसाय में प्रगति होगी और पसंदीदा क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका भी आपको मिल सकता है। कर्क राशि, बुध के इस गोचर के दौरान आपको सलाह दी जाती है कि इस समय आपको किसी से बहसबाजी करने से बचना चाहिए, नहीं तो आपकी मानहानि होने की संभावना है। गोचर काल में आप करियर की ग्रोथ के लिए कुछ नई योजनाएं बनाएंगे और कारोबार का भी आप विस्तार कर सकते हैं। सिंह राशि, बुध का गोचर आपके एकादश भाव में होगा, यह लाभ का भाव कहा जाता है। इस गोचर के दौरान आपको लाभ मिलने की पूरी संभावना है। कुछ रिश्तों को लेकर आपको उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं इस राशि के छात्र नई चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। कन्या राशि, बुध का गोचर आपके दशवें भाव में होने वाला है। यह भाव कर्म का भाव कहा जाता है, इसलिए इस दौरान आपके करियर में प्रगति आ सकती है। सरकारी कार्य आसानी से इस दौरान पूरे होंगे और यदि सरकारी जॉब में काम करते हैं तो अधिकारी आपका साथ देंगे। तुला राशि, बुध आपके नवें भाव में गोचर करने वाले हैं। इस दौरान आध्यात्मिक की तरफ आपका झुकाव अधिक होगा और आप दान पुण्य करने में दिलचस्पी दिखा सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। वृश्चिक राशि, बुध के इस गोचर के दौरान वृश्चिक राशि के लोगों को लाभ मिल सकता है। हालांकि आपको लालच में फंसने से बचना चाहिए, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। इस दौरान आपका आर्थिक पक्ष स्थिर रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए भी यह गोचर अच्छा रहने वाला है। आपको अपनी मेहनत का फल इस दौरान मिल सकता है। हालांकि इस दौरान आपको सामाजिक स्तर पर बोलने से पहले शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। मकर राशि के जातकों के जीवन में कार्यक्षेत्र या परिवार से जुड़ी यदि कोई परेशानी थी तो वह इस दौरान दूर हो जाएगी। नौकरी में आपको सफलता मिलेगी और अधिकारियों से अच्छे संबंध बनेंगे। हालांकि आपको अपने विचारों को नकारात्मक बनाने से बचना चाहिए। कुंभ राशि, बुध आपकी राशि के पंचम स्थान में गोचर करने वाले हैं। इस दौरान आपकी आय में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। शेयर बाजार में काम करने वाले इस राशि के जातकों को भी इस दौरान मुनाफा हो सकता है। मीन राशि, बुध आपकी राशि के चतुर्थ भाव में गोचर करने वाले हैं। इस दौरान आपको भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। माता के साथ आप अच्छा समय बिता सकते हैं। सामाजिक स्तर पर आप लोगों की मदद करने के लिए भी आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें navbharattimes.com। नमस्कार।